ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, LG ने अपने एक ब्रांड न्यू डिवाइस LG Q7 को भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। आज के इस वीडियो में इसी डिवाइस के बारे में बात करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष, आप देख रहे हैं वीडियो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वीडियो को। आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे LG Q6 के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि जो LG Q6 है वो 2016 में लॉन्च किया गया था, लेकिन इसका जो सक्सेसर डिवाइस है LG Q7, इसे लॉन्च कर दिया गया आज भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में। अगर आप इस डिवाइस को खरीदना चाहते हैं तो इस डिवाइस का जो प्राइस है वो है 15,500 रुपए के आसपास, और आप इस डिवाइस को खरीद पाएंगे 1 सितंबर से। 1 सितंबर से ये जो डिवाइस है कुछ चुनिंदा रिटेलर शॉप में उपलब्ध होगा, जहां से आप इस डिवाइस को खरीद पाएंगे। स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें, उससे पहले मैं आपको इमेज दिखाना चाहूंगा इस डिवाइस का, तो देख लीजिए यही है इस डिवाइस का इमेज। इस डिवाइस में बात करें डिस्प्ले की, तो इस डिवाइस में आपको देखने को मिल जाएगा 5.5 इंचेस की 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला एक फुल HD+ डिस्प्ले। अगर बात करें यहाँ पे डिजाइन की, तो ओवरऑल जो डिजाइन इसमें आपको थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिलता है कंपेरिजन टू LG Q6, क्योंकि LG जो Q6 था उसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलता था, और इस डिवाइस में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। तो काफी हद तक जो डिजाइन है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आई है फिंगरप्रिंट की वजह से, और काफी हद तक जो डिवाइस है पिछले वाला के जैसा दिखता है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है। अगर बात करें यहाँ पे प्रोसेसर की, तो आपको इस डिवाइस में देखने को मिल जाएगा 1.5 GHz का ओक्टा कोर प्रोसेसर। अगर बात करें यहाँ पे कैमरे की, तो इस डिवाइस में आपको 13 MP का रियर कैमरा देखने को मिलता है और 8 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। मैं आपको बता दूं, इस डिवाइस में आपको किसी भी प्रकार का डुअल सेंसर देखने को नहीं मिलता है, ना आगे ना पीछे, सिंगल कैमरा सेटअप आपको इस डिवाइस में देखने को मिलता है। अगर बात कर ले इस डिवाइस में बैटरी की, तो तकरीबन 3500 से 4000 mAh के आसपास की बैटरी आपको इस डिवाइस में देखने को मिल जाएगी, और साथ ही साथ LG की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस डिवाइस में चार्जिंग आप कर सकते हैं 60% बैटरी मात्र 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे में 60% बैटरी को आप चार्ज कर सकते हैं इस डिवाइस के चार्जर के माध्यम से। तो कहें तो एक तरीका से यह जो डिवाइस का चार्जर है वो काफी हद तक फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर लेता है। दोस्तों बात करें यहाँ पे कुछ और जनरल स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इस डिवाइस में आपको 4G वोल्टी का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ इस डिवाइस में आपको वाईफाई का, ब्लूटूथ का, हॉटस्पॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये जो डिवाइस है इसमें आपको देखने को मिलता है Android 8.1 आउट ऑफ द बॉक्स। साथ ही साथ ये जो डिवाइस है इसमें आपको सभी प्रकार के सेंसर देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो, एम्बिएंट लाइट सेंसर हो, जायरोस्कोप हो, कंपास हो। और यहाँ पे आपको एक और एडवांटेज देखने को मिलता है, वो है कि इस डिवाइस में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, जो पिछले साल LG Q6 का डिवाइस था उसमें आपको देखने को नहीं मिलता था। तो यही है दोस्तों इस स्मार्टफोन का फुल स्पेसिफिकेशन। आइए अब मैं बात करता हूँ अपने ओपिनियन के बारे में। दोस्तों मेरे ओपिनियन के अनुसार काफी हद तक जो डिवाइस है वो ठीक ठाक सा, ओवरऑल स्पेसिफिकेशन आपको ठीक ठाक से देखने को मिल जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्राइस है इस डिवाइस का वो थोड़ा हाई है, यानी कि सिंपल वर्ड में बोले तो ये एक ओवर प्राइस्ड स्मार्टफोन है। तो यही है दोस्तों मेरा ओपिनियन। उम्मीद करता हूँ आज के ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल को। इस वीडियो में इतना दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।